हैप्पी दशहरा आप सभी को, यूट्यूब फैमिली को हमारे तरफ से हैप्पी दशहरा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको। तो ये देखिए मेरे छत पे गमले रखे थे, तो ये गमले मैं ले जा रही हूँ दूसरे वाले घर पे। तो गमले रखना है मुझे क्योंकि यहाँ पे रिपेयरिंग हुई थी, पूरा छत जो था वो टूटा फूटा हो गया था, इस वजह से मुझे पूरे गमले जो थे हमारे उनको सबको मैं ले के जा रही हूँ। तो ये देखिए ये आखिरी छत का गमला है, तो गमले में देख सकते हैं आप। और हाँ, भगवान की दया से मैं ठीक हो गई। कहते हैं मानने वाले से बचाने वाला ऊपर वाला होता है, तो यही सब चीज़ें हैं। और हमारी YouTube फैमिली बहुत अच्छी है और हमारे ससुराल के मायके के सब लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे फ़ोन लगाता है या नहीं लगाता है। तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझे ये सब चीज़ों को नहीं फ़र्क पड़ता है। हाँ, ये है कि ज़रूर थोड़ी सी कई बार दिल में ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर कोई फ़ोन नहीं लगाता, नहीं कोई मेरे से मतलब रखना चाहता तो मैं भी मतलब नहीं रखना चाहती हूँ। पर हमारी YouTube फैमिली है इसलिए हम YouTube नहीं छोड़ेंगे किसी के कहने पे। और हमारे जो मम्मी हैं, सास हैं, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट अप करती हैं मेरी वीडियो को लेकर। मेरी माता पिता सब लोग सपोर्ट करते हैं और मेरी दीदी लोग हैं वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। और मेरी जैसे ही तबीयत ख़राब हुई मेरी फैमिली मेरे को बहुत ध्यान रखी थी और बार बार पूछ रही थी कि आपकी तबीयत कैसी है, क्या है। मेरी दीदी लोग भी, मेरी मम्मी पापा भी और मेरी देवरानी भी और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं कहते हैं, तो सब अपने 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 होते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो हम दिल्ली में भी थे तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। दीदी लोग मेरा बहुत ध्यान रखी हैं और हमारे बच्चों का भी बहुत ध्यान रखी हैं। कहते हैं सब लोग कि मेरी भी ऐसी तबीयत ख़राब होती है, तो हमारे में और सब में बहुत फ़र्क हुआ क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था। मैं मौत और जीवन की लड़ाई लड़के जीती हूँ, इसलिए कृष्ण कन्हैया की बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो मुझे बचाया है, क्योंकि मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी गाइस। तो इस वजह से तो हैप्पी दशहरा सबको।